इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 3 है मैट्राइसेस, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। एग्जाम्पल है इफ ए मैट्रिक्स है एंड बी ए मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है सच देट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ओके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे इक्वेशन, क्या है 2a प्लस 3x इक्वल 5b। ये एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है, कैपिटल में अगर रहा तो पूरा मैट्रिक्स रहना, एक्स कैपिटल में है तो एक मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ए मैट्रिक्स है ना, हाँ, टू ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स 8, 0, 4, -2, 3, 6, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है 3x एज इट इज, क्योंकि x मालूम करना है, x मालूम करना है, इक्वल 5 इंटू बी। बी क्या है यहाँ पे, है हमारे पास बी 2 -2, 4, 2 -5, 1। कुछ नहीं करें हम, यहाँ पे ए था उसको 2 लिए हम, ए मैट्रिक्स प्लस 3x एज इट इज इक्वल 5 इंटू बी मैट्रिक्स। ओके ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद इधर ये LHS में प्लस है, मैं RHS में भेज रहा हूँ माइनस होता, तो मैं लिख सकता हूँ मैं इसको 3x इक्वल, ये 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, इधर -10, 5 × 4 = 20, 10, और इधर 5 × -5 = -25, 5 × 1 = 5, ठीक है ठीक है। अब ये पूरा मैट्रिक्स ना RHS में माइनस होता, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है 16, 0, 8 -4, और इधर 6, ये 12, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते, यस हो सकते, ऑर्डर सेम है, तो ये 3x इक्वल 10 - 16 कितना होता, -6 होता, -10 यहाँ पे कुछ नहीं, -10 बचा, ठीक है। 20 - 8 कितना बचा, 12, 10 - × - + होता है 14 होता, ठीक है। -25 - 6 तो ये कितना होता, -31 होता, 5 - 12 ये कितना होता, -7 होता, अरे ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप यहीं पे देखो, अब इसके आगे देखो, यहीं पे देखो, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स लाना है, एक्स में यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा, रिमेनिंग ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, -6 - 10, और यहाँ पे क्या होगा 12 - 14, और यहाँ पे -31 - 7, ठीक है ठीक है। अब ना 3 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होती, ठीक है। अब फाइनली देखो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स, तो ये -6 को 3 से डिवाइड करे तो कितना होता है, -2 होता, और ये -10 अपॉन में क्या है 3 एज इट इज, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करे तो 4 आएगा, और 14 अपॉन में 3 होगा, ठीक है। और ये -31 है ना, तो ये क्या हो जाए -31 अपॉन में 3 होगा, और ये क्या हो जाए -7 अपॉन में 3 होगा। ये कौन सा एक्स मैट्रिक्स आ गया हमारा, बहुत सिंपल वे से करें हम, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स बोला था, एक्स मैट्रिक्स ये आया -2 - 10/3 - 4 - 14/3 - 31/3 - 7/3। इसे नोट करो आप, इसे तो करते हैं हम एग्जांपल नंबर 19, यहाँ पे लिखा हुआ हमें ऑलरेडी, फाइंड एक्स एंड वाई। ये भी ना एक्स एक मैट्रिक्स रहेगा, ये वाई भी जो है मैट्रिक्स रहेगा पूरा, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। मान के चलो अगर स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई अगर देगा तो ये एलिमेंट्स रहते हैं अंदर के। अभी क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 आएगा, वहाँ पे अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइंड एक्स एंड वाई बोले तो पूरा मैट्रिक्स है, एक्स प्लस वन ये है, एक्स माइनस वाई ये है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ओके इसको सॉल्व करना है हमारे को, ठीक है। एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ मैं, अगर इसको आप इक्वेशन 1 बोलो तो इसको अगर आप इक्वेशन 2 बोलो तो दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ मैं, LHS वाले LHS में ऐड होते, RHS वाले RHS में होते, RHS में ना मैट्रिक्स है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लस वाई, 1 का LHS, फिर 2 का LHS देखो, ऐड एक्स माइनस वाई, ओके ठीक है, इक्वल RHS वाले RHS में 5, 2, 0, 9, राइट, ठीक है। ऐड कर रहे प्लस, इसके बाद देखो 3, 6, 0, -1, ठीक है। हमें क्या बोल के पूछा है उन्हें, फाइंड एक्स एंड वाई बोल के पूछा है, ठीक है
ठीक है, ये प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x हुआ इक्वल, क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? यस सेम ऑर्डर है, 2 × 2 × 2 × 2 5 प्लस 3 ये 8 हो गया, 2 प्लस 6 ये भी 8 हो गया, 0 प्लस 0 ये कितना हुआ 0 हुआ, 9 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 9 माइनस 1 ये कितना हुआ 8 हो गया। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है आर एच एस भेजा तो डिवाइड होता है x इक्वल टू 1/2, तो रिमेनिंग क्या बैठा 8808 बैठा। ठीक है, अब x 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 0 होगा, ये 4, ये 4 होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स आया मेरे पास? x मैट्रिक्स आया। ठीक है, x मैट्रिक्स मेरा ये है x मैट्रिक्स, और y मैट्रिक्स भी लाना है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको y मैट्रिक्स भी है, जैसे ऐड करें ना, अब मैं क्या करता हूँ मालूम, सब्सट्रैक्ट करता हूँ या डिफरेंस करता हूँ, एल एच एस वाले एल एच एस में माइनस होते, आर एच एस वाले आर एच एस में होते, तो अभी क्या होता है देखो, एक्स प्लस वाई क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सट्रैक्ट, फिर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई रहेगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल, एक्स प्लस वाई का मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 5209 है। ठीक है, ठीक है, इसमें ना ये मैट्रिक्स माइनस कर रहा हूँ मैं, 3 6 0 -1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दो, अब देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई होगा। ओके, ठीक है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, क्या पॉसिबल है? यस, ऑर्डर सेम है, 5 - 3 क्या होगा 2 होगा, 2 - 6 क्या होगा -4 होगा, 0 - 0 ये 0 होगा, 9 + 1 ये 10 होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, वाई प्लस वाई क्या होता है, ये 2y होता इक्वल, यहाँ पे क्या बचा 2 - 4 और 0 ये 10 बचा। ठीक है, ठीक है, y अब ये 2 ना इधर डिवाइड में आता, 2 डिवाइड में आता तो यहाँ पे 1/2 इधर हो गया, ये फाइनली ये क्या हुआ देखो मैट्रिक्स 2 - 4 0 10 हुआ। अब 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर हर एलिमेंट के साथ होती तो ठीक है, तो y मैट्रिक्स देखो मेरा 2 × 1/2 ये क्या होगा 1 होगा, और ये -2 होगा, और ये 0 होगा, और ये क्या होगा ये 5 होगा, ये क्या होगा 5 होगा, तो y मैट्रिक्स मेरा ये आ गया, x मैट्रिक्स मेरा ये है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। तो करते हैं एग्जांपल नंबर 10 है, सिंपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यहाँ पे ना स्मॉल में दिया देखो x एंड y, तो यहाँ एलिमेंट्स मालूम करना। अभी हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, अब हम यहाँ पे कर रहे थे देखो कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर, फाइंड x एंड y, ये कैपिटल में था, जब कैपिटल में रहता है तो पूरा मैट्रिक्स मालूम करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में है तो एक एलिमेंट्स मालूम करना है हमारे को, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये इक्वेशन है ये, ठीक है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होता है देखो, 2x 10 फिर क्या होगा ये 14, 2y - 6 होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करा मैं, प्लस 3 - 4 1 2 एज इट इज। ओके, ठीक है, इक्वल क्या है 7 16 15 14 है। ओके ना, क्या करें हम, अरे 2 से मल्टीप्लाई करें। ओके ओके ओके, क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते? यस हो सकते, क्यों, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या है 2 × 2 ऑर्डर है। ठीक है, 2x + 3 क्या हो रहा है, 2x + 3 10 + -4 कितना होता 6 होता, 14 + 1 कितना होता 15 होता। अभी देखो 2y - 6 + 2 होगा, +2 होगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल जो बचाना वो लिखो आप, 7 6 15 14। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है सॉल्व, 2x + 3 किसके इक्वल है 7 के, तो 2x + 3 किसके इक्वल है 7 के। ओके, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, राइट। ठीक है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, राइट। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा, 2y - 6 + 2 कितना होता -4 इक्वल, इसका इक्वल करस्पॉन्डिंग क्या है 14 है। ठीक है, ठीक है, x यहाँ से आएगा, y यहाँ से आएगा मेरा, तो ये क्या होगा 2x = 7 - 3, तो 2x = यहाँ पे 4 बचा, कैंसिल आउट करे तो x कितना बैठा 2 बैठा मेरा, x कितना आया 2 आया। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, 2y = 14 + 4 ये माइनस था आर एच एस में प्लस हुआ, 2y = ये 18 हुआ, सॉल्व करो तो y कितना बैठा, अरे 9 बैठा। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, आप 2 रखो, 2 × 2 कितना हुआ 4 हुआ, 4 + 3 7 अरे आया नहीं आया। ठीक है, ये y कितना है 9 है, 9 × 2 18 में 6 गया कितने हुए 12,
12 प्लस 2 14, अरे 14 बैठा, राइट ना। बहुत सिंपल एग्जांपल था, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।